जाएंगे ताजमहल की पार्किंग में, पार्किंग करना हमारा कार अलाउड नहीं है पॉल्यूशन की। फाइनली वी एंटर्ड ताजमहल, और ताजमहल उस साइड है, ये गेट है देख सकते हो। इस साइड वाला जो गेट है वीआईपी लोग आते हैं, और इस साइड में जो है मेरे से लेबर ने एंट्री की थी, और लेबर की अभी भी उनके जनरेशन रहते हैं, हमने गाइड ने बताया। So we are entering the Taj Mahal. You can see this. This is the entry gate of Taj Mahal. ताजमहल है, ये भी दिख रहा है, यहाँ देख लो कितनी भीड़ है। देख सकते हो ताजमहल के पास आ गए हैं, हमें वहाँ से आते थे काफ़ी टाइम लग गया फ़ोटो लेते लेते, वही तकरीबन 10 मिनट देख सकते हो। लेकिन उसका जो हाइट है वो 74 मीटर है, कुतुब मीनार से बड़ा नहीं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरे पीछे ताजमहल है, ये रहा ताजमहल। और अभी टाइम हो रहे हैं शायद 9:30 बज रहे हैं, हमने अभी ब्रेकफास्ट किया वही 8:30 बजे, उसके बाद हम लोग निकले इनोवा से होटल से, तकरीबन यहाँ से हम लोग होटल से आधे घंटे की दूरी पर थी ताजमहल, तो ज़्यादा दूर था नहीं, 1.5 किलोमीटर था। तो
चलो देखते हैं क्या क्या है। वेरी ब्यूटीफुल सकते हो। ताजमहल से एंटर करने पर हम लोग ये पहनना पड़ेगा ताकि ताजमहल बीन रहे। देखे तो सारे लोग पहने, ऑलमोस्ट सारे, आगे जाकर के सब पहन लेंगे। फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसके वजह से हमने फोटो अंदर नहीं लिया, वीडियो भी नहीं लिया, वीडियो कोई अलाउ नहीं थी। तो अब हम लोग ताजमहल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब थोड़ी देर हम लोग निकलेंगे, एग्जिट होएंगे। अभी टाइम हो रही है 10:10 AM और काफ़ी धूप है इधर। ये ताजमहल मेरे पीछे, इधर यमुना नदी, ब्यूटीफुल देख लो। चलो तो हम लोग एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, ताजमहल कंप्लीट हो गया, तो लेट्स गो। देखते हैं यहाँ से, यहाँ से हम लोग को जाना है रेड फोर्ट आगरा में भी है वो जगह है। चलो चलते हैं, देखते हैं। अंदर कोई भी खाने की चीज़ अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर कि कोई भी खाने की चीज़ लाना मत, छोटी सी भी नहीं, पॉलिथीन वगैरह कुछ नहीं। और हाँ, बोतल वगैरह बाहर से ही ख़रीद लेना, अंदर तो मिलने का कोई उपाय नहीं है। तो बोतल लेकर आना बाहर से ही खरीद कर, 20 rupees की एक 1 liter की बोतल है। तो बस कंप्लीट हो गया हम लोग ताजमहल, तो वह है इसका ताज महल। ताजमहल यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। चलो हमारा एग्जिट हो गया, यहाँ से मेन बाहर एग्जिट होना है जो कि उधर है। Oh, 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 oh
नहीं दिया था। अभी हम लोग फतेहपुर में आ गए और ये फतेहपुर है, यहाँ पे फोर्ट है फतेहपुर और सिकरी। रोड की कंडीशन वैसे तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी आते आते हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया यहाँ फतेहपुर पहुँच आगरा से फतेहपुर पहुँचने में। चलो देखते हैं क्या क्या है, टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये सब बस देख सकते हो, इस सब बस में भी हम लोग यहाँ से जाना है, इस सब बस के लिए खुद का टिकट लेना पड़ेगा। चल चलते हैं। फोर्ट में एंटर कर गए हैं, ये फतेहपुर फोर्ट है। गाइस ये सीकरी है और यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सर्च करना गूगल गूगल करना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ी है। काफ़ी धूप है, वापस पहन लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बेटर। देख सकते हो ये टैंक था, ये हम लोग गाइड ने बता रहे हैं कि ये टैंक था, ऐसे बहुत सारा टैंक था, लेकिन अब ये एक ही टूरिस्ट को दिखाने के लिए बचा है। अभी भी यहाँ के लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं, खारा पानी अभी भी यहाँ आता है। ये टूट चुका है, अंडे के आकार का था, देख सकते हो। तो जैसे जैसे गाइड मुझे बता रहे हैं वैसे मैं तुम लोगों को बताते जा रहा हूँ, तुम लोग जो मैं भी टूरिस्ट ही हूँ, नहीं गाइड सॉरी, क्योंकि मैं गाइड हूँ। चल रहे हैं तो चलो अब चलते हैं। सो गाइस तुम लोग यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है, और सब व्यू पूरी दूर तक दिख रही है, और ये किला पहाड़ पे है देख सकते हो, काफ़ी ऊंचा से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये गेट है, काफ़ी धूप है तो हम लोग के पैर जल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं देखते हैं।
और इस साइड रहा किला, ये गेट है। हाँ ये देख लो ये गेट है, और इस साइड पूरा शहर दिख रहा है, फतेहपुर, फतेहपुर शहर इस साइड पूरा दिख रहा है, देख सकते हो काफ़ी ऊंचे पे किला है। और नीचे काफ़ी, इस पर काफ़ी गर्मी है, मुझे धूप लग रही है, पैर जल रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं। चलते हैं और देखते हैं क्या है, देख सकते हो काफी फॉरेनर है। अरे